नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्त चैनल पर। हर कदम आपके साथ, एक नई सोच के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो अध्यापकों के लिए है। ई सर्विस बुक डाटा के आधार पर जारी की सूची, अध्यापकों की वरिष्ठता में की गई गड़बड़ी। तो आपको इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। सब्सक्राइब करें आपका दोस्त माय चैनल और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापक संवर्ग से संविलियन के लिए पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 90% अध्यापकों की वरिष्ठता में गड़बड़ी सामने आई है। उनका कहना है कि डीओ कार्यालय ने 41 बिंदुओं में दी गई जानकारी की जगह ई सर्विस बुक के लिए दिए गए डाटा को ऑनलाइन उठा लिया, जिससे संविलियन दिनांक और नियुक्ति दिनांक आदेश में फर्क आ रहा है। इससे अध्यापक हैरत में पड़ गए हैं। एजुकेशन पोर्टल नहीं चलने से अध्यापकों को संकुल स्तर पर 20 सितंबर तक दावे आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिले भर के 4483 अध्यापकों की सूची जारी की गई है, जिसमें से 2812 सहायक अध्यापक और 1304 अध्यापक 367 वरिष्ठ अध्यापक शामिल हैं। सूची में 4442 पात्र अध्यापक हैं, जबकि 24 अपात्र अध्यापक हैं और 7 के मामले लंबित बताए जा रहे हैं। लेकिन नियुक्ति दिनांक व जारी नियुक्ति आदेश में फर्क आने से वरिष्ठता में त्रुटि आ गई है। डीओ कार्यालय से जारी सूची में डाटा ऑनलाइन ई सर्विस बुक से उठाया गया है, जिसमें अध्यापकों का संविलियन आदेश दिनांक फीड है, जबकि संविलियन दिनांक काउंसलिंग के आधार पर अलग अलग है, जिससे वरिष्ठता में भिन्नता आ रही है। इसके अलावा नाम सहित अन्य त्रुटियां भी सामने आई हैं। हालांकि अध्यापकों को 20 सितंबर तक दावे आपत्ति का समय दिया गया था, वही एजुकेशन पोर्टल नहीं चलने से संकुल स्तर पर ऑफलाइन दावा आपत्ति पेश करने की सुविधा दी गई थी। यहां हुई गफलत। प्रत्येक संविदा शिक्षक का नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष बाद परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने लेने के बाद ही अध्यापक संवर्ग में संविलियन मान्य कर लिया है, उसी तारीख से अध्यापक संवर्ग का लाभ उन्हें प्राप्त होने लगता है। लेकिन संविदा शिक्षकों के संविलियन में पूरी प्रक्रिया करने में जिला पंचायत को 3 से 4 माह का समय लग जाता है। इसी कारण जिला पंचायत जिस दिनांक से अध्यापक संवर्ग का आदेश जारी करती है, वही दिनांक से ई सर्विस बुक में फीड किया गया है, जिसके कारण 3 से 4 माह का अंतर आ रहा है। वहीं शिक्षा कर्मियों के पदोन्नति क्रमोन्नति को मान्य करते हुए जिस दिन की उनकी पदोन्नति क्रमोन्नति हुई, दिनांक संविलियन दिनांक में दर्शा दी गई है, जबकि वर्ष 1998, 2001, 2003 वाले अध्यापकों का सरकार ने 1 अप्रैल 2007 से अध्यापक संवर्ग में संविलियन या नियुक्ति की है। अब ऐसे अध्यापकों का कहना है कि उनका संविलियन 1 अप्रैल 2007 से हुआ था, जबकि प्राविधिक सूची में दर्शाए गए दिनांक पदोन्नति आदेश के दिनांक है। 41 बिंदुओं की दी गई जानकारी किया दरकिनार करते हुए समय बचाने के लिए ऑनलाइन डाटा को उठाकर प्राविधिक सूची को प्रदर्शन कर दिया गया। 21 व 22 सितंबर को होगा निराकरण। जिन अध्यापकों की प्राविधिक सूची में त्रुटियां आई हैं, उनका 21 या 22 सितंबर को जिला स्तर पर समिति द्वारा निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची 24 सितंबर तक जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद सहायक अध्यापकों को जिला स्तर पर सूची जारी की जाएगी। वहीं अध्यापकों की संभाग स्तर पर और वरिष्ठ अध्यापकों की राज्य स्तर पर सूची जारी कर दी जाएगी। साथ ही अध्यापकों को राज्य शिक्षा सेवा के 30 सितंबर तक आदेश मिलने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। समिति करेगी सुधार। समय की कमी के चलते गलती हुई है। प्राविधिक सूची में जिन अध्यापकों की त्रुटियां सामने आई हैं, उनको ऑफलाइन संकुल स्तर पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है, जिसमें समिति द्वारा सुधार किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी अध्यापक साथियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट जानकारी पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।